जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। घर की समाचार अब आज पैटर्न गेट पर रोटी बैंक और गब्बर एक्शन कमेटी की जानिब से मालेगांव का मंसूरा काड़े का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। यहाँ पर तीन दिन से जो उसका डोज है तीन दिन से यहाँ पर आज का तीसरा दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। यहाँ पर हर कोई यहाँ पर रास्ते से चलने वाला, यहाँ पर रिक्शा वाले और हर कोई यहाँ पर जो है तो काढ़ा पी रहे हैं और यकीनन इसका जो है तो फ़ायदा हमने मालेगांव में भी देखा, धारावी में भी देखा और औरंगाबाद में भी आने वाले कल में इंशाल्लाह हम इसका फ़ायदा देखेंगे। ये जो काढ़े का अरेंजमेंट है ये रोटी बैंक और गब्बर एक्शन कमेटी की जानिब से किया गया। रोटी बैंक के सदर जनाब यूसुफ मुखाली साहब, गब्बर एक्शन कमेटी के सदर जनाब मकसूद अंसारी साहब, उपाध्यक्ष जनाब हफीज साहब, शेख मुख्तार साहब, हमारे बब्बू भाई, इन सभी ने मिलकर इसका अरेंजमेंट यहाँ पे किया और आने वाले कल में इंशाल्लाह सबको इसका फ़ायदा मिलेगा ऐसे उम्मीद करता हूँ। रोटी बैंक और गब्बर एक्शन कमेटी की जानिब से आज हमने पैटर्न गेट के ऊपर तीन दिन से जो कैंप रखा गया था आज उसका तीसरा दिन है। आज ये बैटन किसके बैठे, हमने इस तीन दिन में 8,000 से 10,000 लोगों को मंसूरा काढ़ा पिला चुके हैं और आज हमारे पास यहाँ पर परसों ACP साहब आए थे, आपकर साहब कल जो है तो शहर के जाने माने जो समाज सेवा के उनके हाथ से हमने कल शुरुआत की थी और आज हमने छावनी के उपाध्यक्ष नगर सेवक शेख हनीफ बब्बू भाई, हमारे बागवान समाज के सदर हाजी गयाज बागवान साहब, हमारे डॉक्टर शेख अफसर साहब, डॉक्टर रजा हुसैन साहब और समाज सेवक नदीम राणा साहब, हमारे शेख मुख्तार साहब, इनके हाथों से आज हमने इसकी इफ्तिता की उद्घाटन किया और इंशाल्लाह हमारा ये मकसद है कि औरंगाबाद शहर से ये महामारी अगर ये काढ़े से दूर हो गई तो इंशाल्लाह अपना शहर अपना है और अपना रहेगा। जैसा मालेगांव भिवंडी आज ये काढ़े के वजह से ज़ीरो हो गया, आज औरंगाबाद भी इंशाल्लाह वो पटरी पे आ जाएगा। हम हर वार्ड में ये काढ़ा पहुंचाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जैसा अभी आपने बताया है कि ये काढ़े से लोगों को राहत मिल रही है तो अभी हर वार्ड में पिलाने वाले हो, लेकिन ये काढ़ा अगर खरीदना है तो ये कहाँ मिलेगा? ये काढ़ा अगर आपको खरीदना है तो ये दवा सास की दुकान के ऊपर, ये जो 9 आइटम डिस्प्ले हमने करके रखे है तो ये व्हाट्सअप के ऊपर और फेसबुक के ऊपर सोशल मीडिया पे ये आइटम के जो है तो नाम भी आ रहे हैं, आप ये लेके इसको घर में भी उबाल के पी सकते हैं। इसका कॉस्ट कितना जाता है? कॉस्ट ये 10-20 रुपए में एक कुड़ी मिल जाती है। ठीक है, ये हमारे बब्बू भाई बोलना चाह रहे हैं। मैं गब्बर एक्शन कमेटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे और मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल मेरे परिवार की तरफ से गब्बर एक्शन कमेटी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, सभी छावनी वासी की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो हर काम में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते और एक बहुत ऊँची लेवल पर खिदमत कर रहे हैं हफीज़ अली मकसूद अंसारी साहब, उनके ये पूरा सर्कल। और मैं एक रिक्वेस्ट उनसे ये भी करूँगा कि उन्हों जब औरंगाबाद शहर के हर वार्ड में उन्हों शुरू कर रहे काढ़ा पिलाने का काम, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले हमारे छावनी से शुरू किए। मैं मेरा समाज और मेरी इंसानियत की तरफ से इतना शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको मैं ये तायद वो करता हूँ कि इनका जो हर काम जो MSCB का हो या किसी कारपोरेशन का हो या कलेक्टर ऑफिस का हो, ये गब्बर एक्शन कमेटी जो काम कर रही है ये इसके लिए एक शहर में बहुत बड़ा मैसेज गया और ये काढ़े से शायद ऐसा नहीं लगता कि मुझे ये लोग तीन दिन पीने के बाद ये कोरोना के रोगी होंगे, ये रोग दूर होगा और इंशाल्लाह 100% दूर हो जाएगा और इससे इसका जितना भी अजर है और जितना भी सवाब है अल्लाह ताला इस गब्बर एक्शन कमेटी करने वालों को और उनके साथ सभी काम करने वालों और सिर्फ मुसलमानों को और आम इंसानियत को दे, ऐसी मैं इल्तिजा करता हूँ। खुदा हाफिज़। ये तीन दिन आपने पिलाया है, एक तीन दिन आप पिला रहे हो, इसके बाद में और कहाँ कहाँ पिलाने और कितने दिन चलेगा? इंशाल्लाह इसके बाद इनके अजायम है कि हर वार्ड में इन्होंने ये काढ़ा शुरू करने का इन्होंने कहा है और इसके साथ साथ मैं इनको ये तायद करूँगा, इनके साथ तायद करूँगा इनकी कि इन्होंने हर वार्ड में हर एरिया में जाके ये काढ़ा पिलाना चाहिए। मंसूर काढ़ा मालेगांव का इसका बहुत नाम हो गया और इससे बहुत शफायाब हुए लोग, बहुत ज़्यादा शफायाब हुए, यहाँ तक के मालेगांव में एक भी पेशेंट कोरोना का बाकी नहीं रहा। जबकि वो इतनी घनी बस्ती है, लाखों की तादाद में लोग वहाँ छोटी छोटी गलियों में रहते हैं, फिर भी ये काढ़े ने वहाँ पे अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने इसमें शफा दिया और ये अल्लाह के हुक्म से इसको शफा मिली, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह का इसमें शफा डाल दिया अल्लाह ने,
और यहाँ भी अल्लाह शफा देंगे। और मेरे औरंगाबाद से और औरंगाबाद पूरे वासियों को मैं ये कहता हूँ कि ये काढ़ा पीने से अल्लाह आपको शफा देगा और ये बीमारी दूर हो जाएंगी, इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल। कैप्टन मेजर साहब आओ। लड़की समाचार को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए बेल आइकन।